एनसीईआरटी और आरबीएससी पे आधारित कक्षा 6 से 12 तक के लिए थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के लिए इतिहास के लिए विद्यालय विषय जिनका सामाजिक है उनके लिए इतिहास की किताब है पवन बोड़िया सर की किताब है 10 अगस्त 2022 को जारी नवीन पाठ्यक्रम पे आधारित है 2 नवंबर तक बाजार में आ जाएगी। कैसी किताब इसके बारे में आपको बताते हैं। और अगर आप थर्ड ग्रेड की रीड की तैयारी कर रहे हो एसएच की सब्जेक्ट से तो भूगोल की जो मार्केट में बुक आ चुकी है थर्ड ग्रेड की नाथ पब्लिकेशन की और पॉलिटिकल की भी लेवल 2 के लिए एसएसटी की मार्केट में आ चुकी है किताब और इतिहास की है 2 नवंबर को बाजार में आपके हाथ में मिलने वाली है। और जीके के लिए पढ़ रहे हो आप तो राजस्थान कला संस्कृति की जीके के लिए लेवल 1 और 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण किताब है और राजस्थान का भूगोल के लिए लेवल 1 और 2 के लिए चाहे वो साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम का हो उसके लिए महत्वपूर्ण किताब है। ये सारी किताबें हैं। और इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के अंदर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताते हैं जिनके अंदर जैसे 150 पृष्ठ की किताब है। किताब के अंदर 150 पृष्ठ है और कोई ज़्यादा मैटर नहीं दे रखा है। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीईआरटी दे रखे कक्षा 6 से लगाकर 12 तक के जैसे बनावली दे रखा है सुरकोटड़ा रोजदी कुनार और धोलावीरा का जो प्रश्न है सूचनापट साइन बोर्ड का भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर सब्जेक्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि साइन बोर्ड कहाँ से मिला है धोलावीरा के अंदर से। तो एनसीईआरटी में से ऐसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं ये चहुंद्रो दे रखा है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे लिख भी रखा है आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकों से। लोथल के बारे में दे रखा है जो खंबात की खाड़ी का कालीबंगा के बारे में दे रखा है। फैक्ट दे रखे हैं पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में फैक्ट दे रखा है। तो ये फैक्ट विभिन्न प्रकार के दे रखे हैं। जैन संगीति के बारे में दे रखा है प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और द्वितीय जैन संगीति 512 से 1300 में वल्लभी गुजरात में रीट 2022 के अंदर पूछा गया है प्री एग्जाम में। ये प्रश्न यहाँ से बने हैं अधिकतर एनसीईआरटी के टॉपिक और रीट मेंस में यानी थर्ड ग्रेड में ऐसे कैसे प्रश्न बनने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार मैटर दे रखा है। एनसीईआरटी की पुस्तकों से जो प्रश्न बनने वाले हैं बहुत सारे प्रश्न इस किताब से बन जाएंगे यानी कम पढ़े अच्छा पढ़े और स्मार्ट तरीके से पढ़े। ये फैक्ट दे रखे बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो बदलाव आए थे कौन कौन से और प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के बारे में भी दे रखा है। उसके बाद और आगे की बात करते तो अभिलेखों के बारे में दे रखा है किस अभिलेख कौन सा अभिलेख बड़ा है छोटा है सब व्यवस्थित तरीके से जैसे धोलावीरा गुजरात के अंदर खादिर बेत के किनारे बसा हुआ था कौन सी नदी किनारे। तो ये मोहनजोदड़ो का विस्तार कितना है चौंद्रो का विस्तार कितना है हड़प्पा पुरातत्व के विकास के चरण बता रखे। इसके अलावा सिंधु और चोलिस्तान से जो बस्तियाँ मिली है कहाँ से कितनी बस्तियाँ मिली उनकी डिटेल भी इसमें बता रखी है। मोहनजोदड़ो के अंदर विशाल स्नानागार मिला है उसकी डिटेल बता रखी है। फयान से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे गए फयान के बारे में डिटेल से बता रखा है। तो इस प्रकार से इस किताब के अंदर मैटर दे रखा है 150 पृष्ठ की है। लाइए खरीदिए किसी लगी आपकी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।